गाइज, यह कहानी एक ऐसे आदमी की है जिसे एक एडल्ट वेबसाइट में अपनी छोटी बहन की पॉर्न क्लिप मिल जाती है, जिसे देखकर वह उसकी तरफ सेक्सुअली अट्रैक्ट हो जाता है और आखिर में उसके साथ इंटीमेट हो जाता है। गाइज, मूवी का नाम सिस्टर ऑफ माइन है, जो कि 2012 की एक एडल्ट सेक्स ड्रामा मूवी है। मूवी की शुरुआत ओलिवर नाम के एक आदमी से होती है, जो एक एडल्ट वेबसाइट में कुछ पॉर्न क्लिप देख रहा होता है। ओलिवर एक यंग फिल्म मेकर होता है। ओलिवर को उसी वेबसाइट में अपनी छोटी बहन अरूरा की एक पॉर्न क्लिप मिलती है, जिसे देखकर वह अरूरा की तरफ सेक्सुअली अट्रैक्ट हो जाता है। फिर इसके बाद वह जाकर अपनी गर्लफ्रेंड कैरन के साथ इंटीमेट होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ओलिवर अपनी बहन अरूरा से मिलने स्पेन जाता है। इसके बाद ओलिवर स्पेन पहुंचकर कुछ दिन बाद अरूरा से मिलने उसके कॉलेज जाता है, जहां ओलिवर अरूरा और उसकी फ्रेंड नेटली से मिलता है। अरूरा ओलिवर को देखकर काफी खुश होती है और उसके स्पेन आने का कारण पूछती है। अरूरा के पूछने पर ओलिवर बताता है कि वो यहाँ पर अपने दोस्तों और तुमसे मिलने आया है। इसके बाद दोनों कार पर बैठ जाते हैं। इन दोनों की बातों से यहाँ पर हमें पता चलता है कि अरूरा ओलिवर की सौतेली बहन। घर पहुंचते ही ओलिवर अरूरा की माँ जूलिया से मिले बिना ही वहां से वापस जाने लगता है। ओलिवर को पैदल देखकर अरूरा उसे अपनी कार की चाबी दे देती है, क्योंकि ओलिवर कुछ दिनों के लिए यहां आया था। इसके बाद ओलिवर अरूरा की कार लेकर वहां से चला जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि ओलिवर अरूरा से मिलने उसके घर आता है, जहां ओलिवर और अरूरा आपस में काफी बात करते हैं। एक दूसरे से बात करते समय ओलिवर को पता चलता है कि अरूरा ने अपने पुराने बॉयफ्रेंड ईवो को छोड़ दिया है और उसके नए बॉयफ्रेंड का नाम कार्लो है। कुछ टाइम बाद अपनी माँ जूलिया के बुलाने पर अरूरा वहां से चली जाती है। तभी ओलिवर मौका देखकर अरूरा के कमरे में एक स्पाइक कैमरा लगा देता है। इसके बाद ओलिवर जूलिया और अरूरा के साथ लंच करता है। अरूरा की माँ को ओलिवर बिल्कुल भी पसंद नहीं था। अगले दिन जूलिया अरूरा को लेने उसके कॉलेज जाती है, क्योंकि अरूरा की कार ओलिवर के पास थी, जिस वजह से जूलिया अरूरा से कहती है कि उसे उसकी कार ओलिवर को नहीं देनी चाहिए थी। लेकिन यहां पर अरूरा अपनी माँ पर थोड़ा गुस्सा हो जाती है, क्योंकि वह ओलिवर को पसंद करती थी। अरूरा की माँ जूलिया को ओलिवर एक मतलबी इंसान लगता था। अगली सुबह ओलिवर अरूरा को एक गिफ्ट भेजता है, जिसे अरूरा अपने कमरे में ले जाकर खोलती है। लेकिन दूसरी तरफ ओलिवर स्पाइक कैमरे की मदद से ये सब कुछ देख रहा होता है। अगले दिन ओलिवर अपने लैपटॉप में पिछली रात की रिकॉर्डिंग देखता है, जिसमें अरूरा अपने बॉयफ्रेंड कार्लो के साथ इंटीमेट हुई थी। शाम को अरूरा अपनी फ्रेंड नेटली और अपने बॉयफ्रेंड कार्लो के साथ एक क्लब में जाती है। लेकिन तभी ओलिवर अरूरा को कॉल करता है और उसे अपनी ग्रुप पार्टी में इन्वाइट करता है। अरूरा अपने बॉयफ्रेंड कार्लो से झगड़ा कर लेती है और ओलिवर की पार्टी में चली जाती है, जहां नशे की हालत में अरूरा और ओलिवर आपस में किस करते हैं और काफी करीब आ जाते हैं। आधी रात को ओलिवर स्पाइक कैमरे की मदद से फिर से अरूरा को देख रहा होता है, लेकिन यहां पर उसे अरूरा थोड़ी सैड नजर आती है। तभी ओलिवर अरूरा को कॉल करता है और उसे किस के लिए माफी मांगता है, जहां अरूरा कहती है कि इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, वो बस अपने फाइनल एग्जाम को लेकर परेशान है। अगली सुबह अरूरा ओलिवर से मिलने उसके घर जाती है। यहां पर दोनों आपस में लंच में जाने का प्लान बनाते हैं। जब ओलिवर तैयार होने के लिए अपने कमरे में चला जाता है, तब अरूरा को ओलिवर के कैमरे में एक पॉर्न क्लिप मिलती है। इसके बाद दोनों लंच पर चले जाते हैं, जहां पर अरूरा कहती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड कार्लो को ज्यादा पसंद नहीं करती, लेकिन साथ ही वो ओलिवर से उस पॉर्न क्लिप के बारे में पूछती है। ओलिवर बताता है कि वो पॉर्न क्लिप उसकी गर्लफ्रेंड कैरन की है और उसे ऐसी पॉर्न क्लिप खिंचवाने का बहुत शौक है। यहां ओलिवर अरूरा से पूछता है कि तुमने कभी ऐसे वीडियो शूट करवाए हैं। अरूरा कहती है कि उसके पुराने बॉयफ्रेंड ईवो ने ऐसे वीडियो शूट किए थे, जिन्हें वो अपने साथ लेकर चला गया। ओलिवर अरूरा को अपने साथ घर ले जाता है और उसे उसकी और उसके बॉयफ्रेंड की पॉर्न क्लिप दिखाता है, जो कि उसने स्पाइक कैमरे की मदद से शूट की थी। ये देखकर अरूरा काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और ओलिवर से कहती है कि मैं तुम्हारी सिस्टर हूँ, लेकिन ओलिवर यहाँ पर कहता है कि तुम मेरी हाफ सिस्टर हो। तभी अरूरा गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है और अपनी फ्रेंड नेटली से इसके बारे में बात करती है। नेटली ओलिवर को पसंद करती थी, इसलिए वो इस पर कोई भी रिएक्शन नहीं देती। रात को अरूरा अपने कमरे में स्पाइक कैमरा ढूंढने की कोशिश करती है और उसे वह कैमरा मिल जाता है, लेकिन वो यहाँ पर कुछ नहीं करती। ऊपर से ओलिवर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए स्पाइक कैमरे के सामने अपने बॉयफ्रेंड कार्लो के साथ इंटीमेट होती है, जिसे देखकर ओलिवर को काफी मजा आता है। अगले दिन ओलिवर अरूरा कार्लो और नेटली एक साथ पिकनिक में जाते हैं, जहाँ पर ओलिवर चुपके से अरूरा को फोर्सफुली किस कर लेता है। पहले अरूरा उसे मना करती है, लेकिन बाद में वह खुद ओलिवर को किस करने लगती है। तभी कार्लो ये सब कुछ देख लेता है और वहां से चला जाता है। उसके बाद ओलिवर और अरूरा आपस में दोनों कार में ही इंटीमेट होते हैं। फिर इसके बाद अरूरा घर पहुंच जाती है, जहां पर कार्लो ने उसकी मॉम जूलिया को सब कुछ बता दिया होता है। जूलिया अरूरा को मारती है और उसे कमरे में बंद कर देती है। दूसरी तरफ कार्लो ओलिवर के घर जाकर उसे काफी ज्यादा मारता है, साथ में ओलिवर का लैपटॉप भी तोड़ देता है। अरूरा की माँ अरूरा को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन अरूरा अपनी माँ जूलिया से कहती है कि वो ओलिवर से प्यार करती है। इसके बाद
बाद जूलिया अरोरा को एक साइकेट्रिस्ट के पास ले जाती है। साइकेट्रिस्ट अरोरा से ओलिवर के बारे में पूछता है। अरोरा बताती है कि ओलिवर एक अच्छा इंसान है और वो उससे बहुत समय पहले से ही प्यार करती है और वह उसके साथ लाइफ बिताना चाहती है। इसके बाद वहां से वापस आते समय अरोरा कार से भागकर ओलिवर के पास उसके घर आ जाती है, जहां पर ओलिवर अरोरा की फ्रेंड नेटली के साथ इंटीमेट हो रहा होता है। ये सब देखकर अरोरा काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वहां से चली जाती है। वह ये सोचकर काफी दुखी होती है क्योंकि उसने ओलिवर को एक अच्छा इंसान समझा था। वो जान चुकी होती है कि ओलिवर ने ये सब कुछ अपनी हवस को पूरा करने के लिए किया है। रात को ओलिवर फिर से अरोरा पर नजर रखे होता है। अरोरा यहाँ पर अपने प्राइवेट पार्ट को सेव कर रही होती है। इसके बाद अरोरा उठकर कैमरे को बंद कर देती है। अगले दिन ओलिवर को एक लेटर मिलता है जो अरोरा का होता है, जिसमें अरोरा के कुछ प्राइवेट पार्ट के बाल होते हैं। और गाइज यहीं पर मूवी एंड हो जाती है। गाइज आपको अगर मूवी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Yeah.